यार 15,000 में बेस्ट फोन दिला दो। 15,000 और बेस्ट फोन, चलिए देखते हैं। फ्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस देखनी हो तो हिट करिए सब्सक्राइब बटन, और साथ ही हिट ना करना भूलें इस बेल आइकन को, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के टेक फोरम के एक नए एपिसोड में। और आज हम देखने जा रहे हैं 7,000 रुपये से लेकर के 15-16,000 रुपये तक के वो सारे फोन जो कि आपके दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं, और वो सारे बेस्ट ऑप्शन जो आपके लिए हो सकते हैं हर प्राइस ब्रैकेट में और आपकी ज़रूरत के मुताबिक। तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपके लिए बेहतरीन फ़ोन कौन सा है। रेडमी 4, इसमें खासियत ये है रेडमी 4A के कंपैरिजन में कि इसमें आपको बैटरी, प्रोसेसर, कैमरा और साथ ही साथ फिंगरप्रिंट सेंसर सब कुछ कुछ बेहतर मिल जाते हैं आपको रेडमी 4A के कंपैरिजन में। बैटरी आपको मिलती है 4100 mAh की, फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस के साथ मिलता है, F2.0 अपर्चर का हमारा 13 MP प्राइमरी कैमरा, साथ ही आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है 5 MP का। स्क्रीन आपको मिलती है वही 5 इंच की HD स्क्रीन, स्क्रीन में कोई खास चेंजेस नहीं है 4A के कंपैरिजन में। साथ ही आपको मिलता है हाइब्रिड सिम स्लॉट, जिसमें कि आपको मिल सकता है डुअल सिम 4G LTE, साथ में ही आप चाहें तो एक माइक्रो SD कार्ड यूज़ कर सकते हैं एक नैनो सिम के साथ। बजट को थोड़ा और ऊपर ले जाते हैं तो 3 GB रैम के साथ आपको मिल सकता है रेडमी नोट 4 सिर्फ 11,000 रुपये में, और 4 GB ऑप्शन आपको मिलता है सिर्फ 13,000 रुपये में। तो डिपेंडिंग ऑन आपके बजट कितना है, आप इन दोनों में से कोई भी वेरिएंट चूज़ कर सकते हैं। रेडमी नोट 4 एक 5.5 इंच का फुल HD पैनल के साथ एक ऑलराउंडर डिवाइस है, जिसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 625 40 नैनोमीटर फिनफेट टेक्नोलॉजी पे बना हुआ प्रोसेसर, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि ये एक पावरफुल प्रोसेसर होने के साथ साथ एक काफ़ी बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर है। और सन 2017 का तो ये मान लीजिए कि ट्रंप कार्ड रहा है, ये हर एक मैन्युफैक्चरर स्नैपड्रैगन 625 यूज़ करके एक बेहतरीन फ़ोन बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। तो इस कोशिश को सबसे पहले साकार किया था रेडमी नोट 4 ने, और ये सेगमेंट लीडर है, किंग है, और चीज़ में आपको पीछे नहीं रहने देगा सिवाय कैमरा के। कैमरा इसका थोड़ा सा एवरेज क्वालिटी का है, लेकिन अगर आप कैमरा के एवरेज क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं तो ये आपके लिए एक बेस्ट फ़ोन हो सकता है। सेम रेडमी नोट 4 के बजट में आपको मिलता है ऑनर का 6X। अगर आपको कैमरा में एवरेज क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, एक बेहतरीन आपको कैमरा चाहिए इस बजट में, तो आप ले सकते हैं ऑनर 6X। आपको मिल जाएगा 32 GB 3 GB रैम वाला वर्जन सिर्फ 11,999, जो कि 12,000 रुपये हैं, और आपको 64 GB वर्जन मिल जाएगा 13,999, यानी कि 14,000 रुपये में। 14,000 रुपये में आपको मिलता है 4 GB रैम, 64 GB रोम, और साथ ही साथ इसमें है आपका इन हाउस इन बिल्ट इनके द्वारा बनाया हुआ किरन 655 प्रोसेसर, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। स्नैपड्रैगन 625 जितना तो नहीं, लेकिन 19-20 का अंतर है दोनों में, तो आपको रियल वर्ल्ड यूजेस में कोई फ़र्क पता नहीं चलेगा। इसकी बेहतरीन बात है इसका डुअल कैमरा, आपको मिलता है 12 MP का मेन कैमरा, साथ ही साथ 2 MP का एक फोकस कैमरा जो कि आपको ऑटो फोकसिंग और लाइट सेंसिंग के लिए काम आता है। एक है कलर सेंसर, एक है मोनोक्रोम सेंसर। आपको इसके अंदर मिल जाता है 6.0.1 मार्शमेलो, साथ ही साथ 2.1 GHz प्लस 1.7 GHz का किरिन ऑक्टाकोर प्रोसेसर, 4 GB रैम, 64 GB इंटरनल मेमोरी, और इन सब के साथ आपको मिलता है 4G प्लस 4G VoLTE की सुविधा। 3340 mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी इसके अंदर आपको मिलती है, जो कि लगभग आपको एक दिन आराम से निकाल देगी, और साथ ही साथ आपको मिलता है एक फास्ट चार्जर जो कि 5V 2 A में काम करता है। 15 महीने की इसमें आपको मैन्युफैक्चरर वारंटी मिलती है, एक खास बात है ऑनर इसमें आपको 15 महीने की वारंटी दे रहा है, बाकी सारी कंपनीज आपको 12 महीने की वारंटी देते हैं। तो अगर आपको एक अच्छा कैमरा फ़ोन चाहिए लगभग 11 से 12-13 हज़ार रुपये के अंदर, तो आप ऑनर 6X ज़रूर ले सकते हैं। सेम 11,000 से लेकर के 12,000 के बजट में अगर आप चाहते हैं कि आपको टॉप एंड फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशंस मिल जाए, स्नैपड्रैगन 820 प्रोसेसर मिल जाए आपको, साथ ही मिल जाए 3 GB या 4 GB रैम, 32 GB या 64 GB रोम, साथ में हो VoLTE 4G, तो आप ले सकते हैं लेनोवो का Z2 Plus। हालांकि ये फ़ोन आउटडेटेड हो चुका है, लेकिन एक फ्लैगशिप लेवल स्पेसिफिकेशंस के साथ आपको मिल जाता है सिर्फ 10,799 रुपये में 32 GB वर्जन, और साथ ही 64 GB वर्जन अगर आप लेते हैं 4 GB रैम के साथ, तो आपको ये मिल जाता है 11,999 रुपये में। इसका कैमरा उतना अच्छा नहीं है, कैमरा में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन कैमरा को छोड़कर अगर आपको बाकी सारी चीज़ें देखनी हो तो ये बेहतरीन फ़ोन है एक टॉप एंड स्पेसिफिकेशंस के साथ।
अगले नंबर पे आता है लेनोवो K8 नोट, ये आपको मिल जाएगा 3 GB रैम के साथ, 13 MP और 5 MP का डुअल कैमरा है इसके अंदर, 13 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा भी है। डुअल कैमरा है इसका, मोनोक्रोम सेंसर और कलर सेंसर के साथ आता है, जिससे कि आपको एक अच्छी फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस मिलता है। एंड्रॉयड 7.1.1 नोगट के साथ आएगा ये। इसके अंदर आपको मिलेगा हीलियो का X23 डेका कोर प्रोसेसर, जी हाँ 10 कोर्स हैं इसके अंदर, 2.3 GHz के अंदर है, लेकिन 625 स्नैपड्रैगन के सामने फिर भी कुछ हद तक ये फीका ही कहूँगा मैं। 5.5 इंच की स्क्रीन मिलेगी इसमें, फुल HD रहेगी, IPS टच स्क्रीन और गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन है। 3 GB रैम, 32 GB इंटरनल रोम आपको मिलेगा, और जिसे कि आप एक्सपेंड कर सकते हैं मेमोरी कार्ड के द्वारा 128 GB तक। डुअल नैनो सिम, डुअल स्टैंड बाय 4G+4G इसमें आपको मिलेगा सिम के अंदर, साथ ही 4000 mAh की बैटरी मिलेगी, और आपको दिया जा रहा है 15 W का टर्बो चार्जिंग अडेप्टर इनबिल्ट इसके अंदर। अगला ऑप्शन है अभी 15,000 रुपये में बेहतरीन फ़ोन मोटो G5 Plus, जो कि आपको मिल जाएगा 32 GB इंटरनल मेमोरी के साथ, 12 MP का इसमें प्राइमरी कैमरा मिलता है आपको, जो कि एक बेहतरीन कैमरा है। एपर्चर इसका काफ़ी बड़ा है, F1.7 के साथ आता है। 5 MP का आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है, जिसमें कि आपको साथ ही साथ डुअल LED फ्लैश भी है इस फ़ोन के अंदर। 8x डिजिटल जूम मिलेगा आपको फोटोज़ के लिए, और साथ ही मिलता है 4x वीडियोज़ के लिए। 4 GB का रैम है, 32 GB की इंटरनल मेमोरी, और 128 GB तक आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। मेटल बॉडी फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ मिलता है। 5.2 इंच की इसमें TFT IPS डिस्प्ले है, जो कि फुल HD के अंदर मिलती है आपको, उसे प्रोटेक्ट किया गया है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 से। एंड्रॉयड 7 नोगट मिलता है आपको आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि एंड्रॉयड ओ में आपका अपग्रेड हो जाएगा। 625 चहेता प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का आपको मिलता है 2 GHz स्पीड के साथ, एड्रीनो 506 GPU, साथ ही आपको मिलते हैं डुअल सिम, डुअल स्टैंड बाई की टेक्नोलॉजी, 4G+4G, 3000 mAh लिथियम आयन बैटरी, और साथ ही आपको मिलता है मोटोरोला का भरोसा। तो अगर आपका बजट स्ट्रिक्टली 15,000 रुपये का है, तो इसे आप अभी ले सकते हैं नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से अमेजन से। अगला बेहतरीन ऑप्शन आता है आपके लिए मोटो G5S Plus, ये अपग्रेडेड वर्जन है मोटो G5 का, जिसमें कि आपको मिलेगा हर कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा मोटो G5 से। इसमें मिलता है आपको 13 MP प्लस 13 MP का डुअल बैक कैमरा, इसमें अपर्चर आपका थोड़ा सा छोटा है F2.0, डुअल LED फ्लैश के साथ आता है ये भी, और फ्रंट कैमरा को अपग्रेड कर दिया गया है, 8 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा है इसमें। 4 GB की इंटरनल रैम मिलेगी आपको, साथ में है 64 GB का इंटरनल मेमोरी, एक्सपेंडेबल है 128 GB तक। 5.5 इंच का स्क्रीन मिलता है, स्क्रीन थोड़ी सी बढ़ा दी गई है इसके अंदर, फुल HD स्क्रीन है, कैपेसिटिव टच स्क्रीन मिलता है आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 के प्रोटेक्शन के साथ। डुअल नैनो सिम एक्सेप्ट करता है ये, डुअल स्टैंड बाय है इसमें, 4G+4G टेक्नोलॉजी आपको मिलती है। एंड्रॉयड 7.1.1 नोगट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आएगा ये, और साथ ही ये अपग्रेडेबल है आपका एंड्रॉयड ओरियो में। 2 GHz का स्नैपड्रैगन 625 ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलता है, सेम टू सेम आपको जो मोटो G5 में मिलता है। 3000 mAh की लिथियम आयन बैटरी मिलती है, और 15 W का टर्बो चार्जिंग आपको मिलता है इसके साथ। तो ओवरऑल ये एक बेहतरीन ऑप्शन है आपका मोटो G5 के ऊपर, अगर आप 1000 एक्स्ट्रा खर्च करेंगे तो आपको इसमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है। अगर आपको चाहिए इन्फिनिटी डिस्प्ले या फुल विजन डिस्प्ले, जैसा कि LG से कहता है, एक बजट रेंज में एक ठीक ठाक प्रोसेसर और कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, तो आप ले सकते हैं LG Q6, जो कि आएगा 18:9 फुल विजन डिस्प्ले के साथ। इसमें आपको मिलता है 13 MP का एक कैमरा रियर में, और 5 MP का कैमरा फ्रंट में। 5.5 इंच की IPS इनसेल टच कैपेसिटिव टच स्क्रीन है, जो कि एक फुल HD रेजोल्यूशन में मिलती है आपको। 442 पिक्सल डेंसिटी है इसकी, 16 मिलियन का कलर सपोर्ट करता है ये, साथ ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलता है आपको। 7.1.1 एंड्रॉयड इसमें आपको मिलेगा, 1.4 GHz क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 435 ऑक्टाकोर प्रोसेसर, साथ में 3 GB रैम और 32 GB इंटरनल मेमोरी, जो कि एक्सपेंडेबल है 2 TB तक, जी हाँ 2 TB तक एक्सपेंडेबल, जैसे कि LG कहता है। डुअल सिम मिलेगा आपको इसके, दोनों नैनो रहेंगे, डुअल स्टैंड बाय 4G+4G टेक्नोलॉजी के साथ। 3000 mAh की लिथियम आयन बैटरी मिलती है, जो कि आपको लगभग 14 घंटे का स्टैंड बाय और टॉक टाइम दे देगी। और तो अगर आपको चाहिए एक ऐसा फ़ोन जिसमें कि आपको 18:9 का डिस्प्ले हो, आपको काफ़ी बड़ी स्क्रीन मिल जाए एक छोटे से बॉडी के अंदर, और यूनिक सा एक्सपीरियंस मिले डिस्प्ले को जब आप देखें, तो आप ले सकते हैं LG Q6। अगला ऑप्शन है नोकिया लवर्स के लिए 15,000 रुपये में एक बेहतरीन फ़ोन, जिसमें आपको मिलेगा परफॉर्मेंस के लिए ऑक्टाकोर 1.4 GHz स्नैपड्रैगन 430 प्रोसेसर, कुछ कमज़ोर है बाकी के मुकाबले में, लेकिन फिर भी ऑप्टिमाइज्ड है, ठीक ठाक है। स्नैपड्रैगन 635 होता तो वाकई ये टॉप एंड फ़ोन बन जाता हमारे लिए। 3 GB रैम मिलेगी, डिस्प्ले में मिलेगा आपको 5.5 इंच की IPS फुल HD पैनल 401 PPI के साथ। कैमरा आपको मिलेगा 16 MP का प्राइमरी कैमरा, डुअल कलर LED फ्लैश है, 8 MP का फ्रंट कैमरा है, बैटरी आपको मिलेगी 3000
6000 mAh की जो कि नॉन रिमूवेबल है। फुल मेटल बिल्ड बॉडी मिलती है आपको, बहुत ही मजबूत और टिकाऊ, जैसे कि हमेशा से ही नोकिया की आइडेंटिटी रही है। इस फ़ोन को भी काफ़ी मजबूत बनाने की कोशिश की है और जो आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इस फ़ोन के बिल्ड क्वालिटी के लिए है। इस वीडियो को देखकर आप खुद अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप अपने पसंदीदा मोबाइल चुन सकते हैं। अगर आप मेरी पसंद पूछें, मेरी पर्सनल राय ये रहेगी कि आप 15,000 रुपये इन्वेस्ट करें तो Xiaomi A1 पे करें। Xiaomi A1 के बारे ज़्यादा जानकारी जानने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें, आप उसमें हमारे Moto G5 S Plus और Xiaomi A1 के कंपैरिजन को देख पाएंगे। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और साथ ही अगर आपके दिमाग में कोई भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें, हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए सवालों का इंतज़ार करेंगे।